चैनल फूड पॉकेट। आज हमारी फूड पॉकेट की किचन में बनने जा रहा है एक विंटर स्पेशल। आजकल बारिश भी हो रही है तो ये हमने एक बनाया है समोसा रोल्स, जो कि बड़ी टेस्टी भी है और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। और ये ना इंस्टेंट आप बना सकते, कोई भी आपके घर पे मेहमान आए आप इसको इंस्टेंट बना सकते हैं। तो आइए फिर बनाने चले। समोसा रोल्स बनाने के लिए ना मैं यहाँ पर देखिए इस कप के नाप से 2 कप मैदा ली हूँ और इसमें ना थोड़ा सा अजवाइन हमें क्रश करके डालना है। और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। और इसमें 5-6 चम्मच ना टीस्पून देखिए ऑयल में ले रही हूँ। इसमें घी भी डाल सकते हैं लेकिन ऑयल में ना थोड़ा सा, जैसे समोसे में आपको पता होगा कि ऊपर का जो हिस्सा है ना वो टाइट होता है ना थोड़ा सा, तो घी में वो नरम हो जाता है। ये हमने डाल दिया ऑयल और इसको हम क्या करेंगे अच्छे से ना इसको मिक्स कर लेते हैं। ये जरूरी है इसको अच्छे से ना, जैसे पूरा कोट हो जाए इसके अंदर ऑयल। हमने ये ना ऑयल मिक्स कर लिया है। देखिए ऐसे हमें मुट्ठी में लेते हैं ना तो ऐसे बाइंड होता है, तो ये हमारा अच्छा है ऐसे आप लेके देख सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना पानी, ज़्यादा नहीं हमें चाहिए, थोड़ा सा चाहिए पानी। पहले इसको इतनी पानी देके मैं ना इसको टाइट हमें गूंथना है, तो थोड़ा सा पानी देके इसको हार्ड जैसे हम गूंथते हैं ना उसी तरह, ज़्यादा एक साथ मत डालिएगा। ये हमने गूंथ लिया है, देखिए इतनी हार्ड रहना है, सॉफ्ट नहीं रखना है हमें। और एक साथ पानी आपको डालना नहीं है, थोड़े थोड़े करके आपके डाल के इसको अच्छे से गूंथना है। ये देखिए कितनी हार्ड है अभी। इसको हम क्या करेंगे अभी रेस्ट के लिए 15-20 मिनट हमें ना इसको गीले कपड़े से ढक के रख देना है। और आइए इसकी समोसे की मसाला बनाते हैं। समोसे के मसाला बनाने के लिए ना यहाँ पर मैं देखिए उबला हुआ 3 आलू ली हूँ। इसको हम पहले ना ग्रेट कर लेते हैं अच्छे से, छोटे वाले में मैं कर रही हूँ, ज़्यादा बड़े वाले में नहीं करना है। आलू को हमने ग्रेट करके ले लिया है और इसमें ना सबसे पहले हम डालेंगे अरारूट। अरारूट जिसके घर में नहीं होंगे वो चावल के आटे या कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो। इसको ना मैं ना यहाँ पर 4 टेबलस्पून ले रही हूँ क्योंकि आलू में जो चिपचिपापन होता है ना वो कम करने के लिए और बाइंड करने के लिए हमें इसको लेना है। और इसमें हम डालेंगे कटी हुई धनिया पत्ता, ग्रीन चिली और इसमें डालेंगे सॉल्ट, और इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली 1/2 टीस्पून, गरम मसाला जो होती है ना उसको हम डालेंगे थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून से कम थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, 1/4, और चाट मसाला हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा। और इसको अच्छे से ना हमें मैश कर देना है, और जैसे आटे की तरह हम गूंथते ना आटा उस तरह हमें थोड़ा सा ना इसको अच्छे से मिक्स करके
ये देखिए इस तरह करना है, मिक्स करना है। हमने देखिए ये जो आलू था हमारा, हमने इसको अच्छे से ना मिक्स करके रख लिया है। अब क्या करेंगे, समोसे को देख लेते हैं। समोसे के जो आटे हैं ना, हमने गूंथ के रखा था उसको, देखिए रेस्ट ले चुका है। और एक बार हमें इसको अच्छे से ना गूंथ लेते हैं। ये देखिए टाइट भी है। इसमें से ना हम थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं, आधा, इसका आधा कर लेते हैं। अब इसको ना हमें समोसे बनाने हैं। हमें इसको ना एक बड़ा सा रोटी बनानी है, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना बेल के। ये देखिए हमने कितना बड़ा सा रोटी बना रखा है। और ये देखिए इसका थिकनेस समोसे में भी इतनी होती है हमारे। और इसको हम इतनी बड़े रखेंगे। और इसको ना हम क्या करेंगे, पहले कोई सा भी ऐसे कटोरी ले लेंगे, बीच में रख देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जैसे आलू है ना, आलू को हमें चारों तरफ ऐसे इसको रख के, पतले लेयर देना है, ज्यादा मोटा नहीं देनी है। ये हम छोटा सा जो बाउल है ना, इसको हटा लेते हैं। और इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे बीचों बीच, हल्का सा। और इसको ट्रायंगल शेप में हम अभी कट कर लेते हैं। इस तरह, और एक इधर से कट करेंगे। अब इनको छोटे छोटे समोसे के आकार दे देते हैं। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इसको टाइट करके फोल्ड करना है हमें। थोड़ा सा ऑयल भी हम लगा सकते हैं इसमें। ये देखिए जैसे हम समोसे खाते हैं ना, सेम प्रोसेस है। इसको हम इस तरह कट करके करते हैं और वो ऐसे फोल्ड करके होता है। तो इसको हम ऐसे रोलिंग, इसीलिए इसका नाम है समोसा, रोलिंग समोसा। तो हम इस तरह हम करके अभी इसको फ्राई करेंगे ऑयल में। अब इनको ना ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है, इनको हम इसमें फ्राई करेंगे। अभी ज़्यादा नहीं डालनी है हमें, तीन तीन चार चार करके हमें डालनी है। इतना इतना मैं चार डाली हूँ। अब इसको फ्राई कर लेते हैं अच्छे से, जैसे समोसे फ्राई होते हैं ना। इसको क्या करेंगे, अभी हमारी ऑयल तो गर्म है ना, इसको हम धीमी आंच में कर देंगे। पहले आप जोर से रखो इसकी फ्लेम को, और डालने के बाद ना इसको स्लो कर देना है। हमारी समोसा रोल्स बनके तैयार हो चुकी है। देखिए कुछ बड़े साइज की और कुछ छोटे साइज की हमने बना रखा है।
और इसको आप ज़रूर बनाइएगा, बड़े टेस्टी लगते हैं ये। फिर मिलते हैं नए एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।